नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हां, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ने के साथ ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की गर्दन तोड़ने में जुट गए हैं और 48 घंटे के अंदर ही समाज कल्याण विभाग के 7 से ज्यादा अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अभी तक जो खबर आ रही है कि चुप्पी तोड़ने के बाद एक्शन में आई नीतीश सरकार ने 6 एडिशनल डायरेक्टर, 7 सीपीओ को सस्पेंड कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अब विभाग के मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मंजू वर्मा पर गाज गिर सकती है। वैसे भी मंजू वर्मा की इस्तीफे की मांग विपक्ष तो कर ही रहा था, अब सत्ता पक्ष से जुड़े नेता भी ये मानने लगे हैं कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने साफ कहा है कि इसके जिम्मेवारी से मंत्री नहीं बच सकते हैं, नैतिक जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। तो बीजेपी के बड़े नेता ने ये बयान दिया है, पहली बार बीजेपी की तरफ से इस तरह का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि समाज कल्याण मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कांड हो रहा था और मंत्री को पता न हो ये संभव नहीं है, विभाग को पता न हो ये संभव नहीं है। तो उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि सब कुछ जानकारी में हो रहा था और किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मंजू वर्मा से इस्तीफे की मांग की है। उधर नीतीश सरकार के दूसरे मंत्री जो जेडीयू के विधायक भी हैं, खुर्शीद आलम, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई नैतिकता के आधार पर खुद मंत्री को मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। वैसे सबका अलग अलग पैमाना है नैतिकता का, कौन कितना क्या स्तर है, क्या पैमाना है नैतिकता का, वो तो हर आदमी के लिए अलग अलग है। कोई छोटा सा आरोप लगता है अपने पद से इस्तीफा दे देता है, कोई ऐसा होता है इतना ढीठ होता है कि बड़ा से बड़ा आरोप लग जाए वो तब तक इस्तीफा नहीं देता है जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए, क्योंकि जांच में तो लंबा समय लगेगा और लंबा समय तक वो कुर्सी पर बैठे रहना चाहता है, उसका फायदा उठाना चाहता है। तो साफ जाहिर है कि उन्होंने साफ ये नहीं कहा कि मंजू वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो नैतिकता का पैमाना क्या हो वो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, यानी व्यक्ति को ही खुद तय करना पड़ेगा। मंत्री हैं, उन पर आरोप लग रहा है, उनके पति लपेटे में आए हैं, तो उनको ही तय करना पड़ेगा कि क्या पैमाना है नैतिकता का उनका और इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबका अलग अलग पैमाना है। नीतीश कुमार भी जब रेल मंत्री थे, गैसल कांड हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो एक बड़ा रिकॉर्ड है ये कि नीतीश कुमार ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने गैसल कांड हुआ और उसकी नैतिक जिम्मेवारी को लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। उसी को आधार बनाकर आरजेडी की तरफ से मांग भी की जा रही है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि जब गैसल कांड में नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं रेल मंत्री पद से, तो इस कांड में क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नैतिक जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। लेकिन कम से कम मंत्री के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि मंत्री की जो जवाबदेही बनती है उस विभाग के मंत्री हैं और वो जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं। और ये जो फैसला है जांच का, टाटा की जो सर्विस कंपनी है जिससे सोशल ऑडिट कराया गया, ये जांच का फैसला मंत्री का नहीं था, ये जांच का फैसला विभागीय प्रधान सचिव का था। और विभाग के प्रधान सचिवों और मंत्रियों के बीच कैसे रिश्ते हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार सरकार में ऐसे प्रधान सचिव हैं ज़्यादातर विभागों के जो मंत्रियों की सुनते ही नहीं। तो जहाँ मंत्री दबंगई करता है, जहाँ प्रधान सचिव की चलने नहीं देता है, वैसे मामलों में तो इसी तरह से जांच करके सच्चाई सामने लाई जाती है और उसमें मंत्री का फंसना तय होता है। तो ये जो मामला हुआ है इसको उजागर तो प्रधान सचिव ने ही किया है, समाज कल्याण विभाग के, उन्होंने ही कराया है। क्षण मतलब वो नहीं चाहते तो ये नहीं होता ऑडिट, सोशल ऑडिट, क्योंकि सोशल ऑडिट कराना कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कानून और नियम में ऐसा प्रावधान नहीं है, फिर भी उन्होंने कराया। तो जाहिर है कि उनको आशंका होगी कि कुछ गड़बड़ चल रहा है जिसका वो विरोध नहीं कर पा रहे होंगे खुलकर। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, सिस्टम से उन्होंने उसकी जांच कराई और जो भी खेल चल रहा था उसको उजागर करवा दिया। तो निश्चित रूप से अब मंत्री की कुर्सी खतरे में है, मंजू वर्मा की कुर्सी खतरे में है। विपक्ष तो लगातार हंगामा कर रहा है, पप्पू यादव ने कल भी राजभवन मार्च किया और तेजस्वी ने दिल्ली में धरना दिया, लगातार विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है। और इस बीच जिस तरह से एक्शन में नीतीश कुमार दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि मंजू वर्मा अगर इस्तीफा नहीं देगी तो नीतीश कुमार उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का रिकॉर्ड तो ऐसा ही है, वो कार्रवाई करने में ज़्यादा संकोच नहीं करते हैं।
एक बार एक्शन में आने की देर होती है, तो एक्शन में आ गए हैं, मुझे लगता है कि मंजू वर्मा भी बचेंगी नहीं। आगे भी हम आपको ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते रहेंगे आपके लिए। आपको हमारा अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगे, ये चैनल अच्छा लगे, तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपका सहयोग और समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।